देखिए ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचा दिया और इसका फायदा गरीब को बहुत होता है। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। अगर आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है तो आपके परिवार को सालाना 12,000 रुपए की धनराशि जनधन योजना के अंतर्गत मिलेगी। आपको अगर नहीं पता है तो बता देने आते हैं, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है जनधन योजना, जिसके अंतर्गत हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पैसा भी मिलना चालू हो चुका है। और अगर आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, हर साल ये एक साल के लिए हर साल सीधे आपके जनधन खाते में आपको 12,000 रुपए की धनराशि मिला करेगी। एक तरीके से बताएं, प्रति महीना 1,000 रुपए की धनराशि। भाइयों बहनों, किसी एक आम आदमी के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने की धनराशि बहुत मामूली से रकम हो सकती है, लेकिन आपको बता दें इसी से हमारे देश के जो गरीब वर्ग के भाई बहन हैं वो अपने घर का लालन पोषण करते हैं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि अगर आपके घर पर कोई महिला है जिसकी शादी होती है तो उनको भारत सरकार अपनी तरफ से 6,000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में देंगे। और अब से अगर आपके घर पर कोई बेटी कन्या पैदा होती है तो किस योजना के अंतर्गत आपके घर की कन्या को मिलने वाला है 15,000 रुपए की धनराशि 9 किस्तों में, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको अपने इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, लेकिन अगर आप लोग सरकारी नौकरी में हैं तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते। आपको बता दें, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी सरकारी योजना है, उसका नाम है जनधन योजना। जनधन योजना के अंतर्गत हमारे देश में 68 करोड़ से अधिक लोगों का अभी तक जनधन खाता खोला जा चुका है और इसी योजना के अंतर्गत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खुद का मकान बनाने के लिए रुपए मिलता है। आपको बता दें कि सब्सिडी भी इसी अकाउंट में जाता है और अब जनधन योजना के अंतर्गत आप लोगों को अपने घर का लालन पोषण करने के लिए प्रति महीना 1,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को भी प्रति महीना 1,000 रुपए की धनराशि चाहिए तो कैसे आप लोग ये प्राप्त करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए कुछ आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, जैसे किसी सरकारी बैंक में आपका जनधन खाता होना चाहिए। मतलब अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया तो आज ही जाकर अपना जनधन खाता खुलवा लें, जनधन खाता खुलवाना निःशुल्क होता है। दूसरा, आपका जनधन खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक होना चाहिए। तीसरा, अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को एक निःशुल्क आवेदन करना है जनधन योजना के अंतर्गत, जिसके बाद आपको तीनों योजनाओं का फायदा मिलेगा। अब बताते हैं आपको भाई बहनों कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। जैसा कि आपको पता ही होगा, दिवाली का पावन पर्व आ रहा है, इसी बात पर हमारा चैनल महाप्रतियोगिता करा रहा है, जिसमें 5 लोगों को चुना जाएगा और 5 लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। अगर आप इसमें एक मोबाइल जीतना चाहते हैं प्रतियोगिता में हमारी, तो आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो लाइक करेगा कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा, उनमें से 5 लोगों को चुना जाएगा और 5 लोगों का एंड्रॉयड मोबाइल इसी हफ्ते उनके घर भी पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको बता देने आते हैं भाई बहनों, सबसे पहली योजना निकल के आ रही महिलाओं के लिए। अब किसी की भी अगर शादी होती है और महिला गर्भवती पहली बार होती है तो उसके शिशु के लालन पोषण के लिए भारत सरकार 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि देगी। इसके लिए उस गर्भवती महिला को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, अपना जनधन खाता संख्या नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके बाद 6,000 रुपये गर्भवती महिला को मिलेगा। आपको बता दें भारत सरकार की एक सरकारी योजना चल रही है कन्या सुमंगल योजना, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन कर देते हैं और आपके घर पर कोई बेटी पैदा होती है तो आपके घर की कन्या को बेटी को 15,000 रुपये 9 किस्तों में भारत सरकार देगी। तीसरी योजना निकल के आ रही है किसानों के लिए। आपको बता दें अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं, तो आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, 10वीं किस्त का पैसा आपका 15 दिसंबर के आसपास आ सकता है। और जो आप लोगों को सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये की धनराशि मिल रही थी, भारत सरकार इसको दुगना कर सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पक्की खबर निकल के आ रही है। मतलब अभी तक आप लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया, इसमें आवेदन कर दीजिए। अभी तो आपको 6,000 रुपये सालाना मिला करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आपको 12,000 रुपये सालाना मिलना चालू हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, जो योजनाएं निकल के आ रही थी वो हमने आपको बता दी। इस तरीके की हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भारत माता की जय।